नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य और इस वक्त रोहतक विधानसभा जो शहरी विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर मौजूद है। और ये जो एरिया है वो कैंप एरिया है जिसको गांधी कैंप कहा जाता है। और यहां पर कितने लोग आप देख सकते हैं कि फुर्सत के क्षण में ताश खेल रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार पब्लिक जरूर दिखाएं और इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनावी माहौल के अंदर, चुनावी मौसम के अंदर आखिर 5 तारीख को किसके पक्ष में मतदान करेंगे और किसके विरोध में मतदान किया जाएगा और यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं या लोगों को जो सुविधाएं मिली है या नहीं मिल पाई उनको लेकर भी चर्चा करेंगे, मुद्दों को लेकर भी चर्चा करेंगे और तमाम राजनीतिक या पॉलिटिकल डिस्कशन लोगों से करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे 5 तारीख को किसका डब्बा गुल करेंगे और 5 तारीख को किसके भाग्य का उदय होगा। नमस्कार जी, राजेंद्र कुमार। वोट आपकी यही है? हाँ जी, वोट ये सामने गली में। अच्छा, ये कैंप का एरिया है, गांधी कैंप बोलते हैं। अब मुझे ये बताओ कि 5 तारीख को चुनाव का मौसम है, सारी दीवारें, सारी सड़कें नेताओं की भरी हैं, उनके इश्तियारों की भरी हैं, 5 तारीख को किसको वोट डालोगे? अब ये देखो, ये तो अपने मन के भावना, जो 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 काम करे उसके वोट मिलेगा। सर एक चीज और है, अगर आप बताओगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा किसका माहौल चल रहा है? मेरी बात सुनो, देखो हर बंदे के अंदर भाई होता भाई, जिसके ये 500 विधायक राज से कोई काम नहीं किया, ठीक है, अब जो काम करेगा उसी को वोट तो उसी को मिलेगा। 10 साल बीजेपी की सरकार रही, काम हुए कि नहीं हुए? काम रोड तो वो बनानी है, यहाँ इस इलाके में तो रोड को बनानी है, ठीक है। सीवेज की समस्या, सीवेज जैसे गंदे बिल्कुल भरे पड़े हैं, कोई पानी की पानी को गंदा आता है। तो अब की बार बदलाव चाहते हो क्या? देखो ये अब तो जो माहौल बनेगा, नहीं अगर देखिए इसी, चलिए हाँ जी नमस्कार, कुछ बताओगे सर? कोई 5 तारीख को वोटिंग होनी है, चुनाव का मौसम है, किसकी वोट डालोगे? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी? हाँ। कांग्रेस जीतने का कारण क्या है? इन्होंने तो बहन चोद ने बीजेपी ने, हाँ। किस क्या मतलब, एक मिनट दे दीजिए बस, एक मिनट कैमरे की तरफ देखिए। हाँ जी, नाम बताइए मुझे प्लीज। नाम नहीं बताता। अरे शक्ल देखिए, नाम में क्या दिक्कत है? रामवीर। अच्छा, आपकी वोट यही है कैंपेरिया में ही? यही है, ठीक है। 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, कोई विकास के काम हुए नहीं हुए? कुछ नहीं हुए, लोगों को परेशान कर दिया। अच्छा, रोहतक शहर की विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर क्या मुद्दे हैं जिनको लेके वोट डाली जाएगी? कुछ हुआ ही तो नहीं, इतनी महंगाई, गरीब आदमी कहाँ से क्या करेगा? हैं? कोई आदमी ये तो बता दे मेरे को कि एक भी आदमी के भी ये काम किया है, कहाँ है वो डेवलपमेंट, कहाँ है वो विकास क्या किया है? एलिवेट बना के ये बेंच हिंदुस्तान पाकिस्तान और बना दिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान कैसे? अच्छा, जो इधर वाले हैं वो पाकिस्तानी हो गए, उधर वाले हैं वो हिंदुस्तानी हो गए। वो तो फिर ये कह रहे हैं कि हमने फाटक मुक्त कर दिया शहर को, बीजेपी वाले कर दिया। कितनी गायें कटती हैं अंदर जा करके, पता है कुछ? वहाँ रोज शराब पीते हैं, रोज डाकू वहाँ बैठे रहते हैं। चलिए, दो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी बीबी बत्रा हैं और बीजेपी के प्रत्याशी मनीष ग्रोवर। बीबी बत्रा जीतेगा खत्म। मनीष ग्रोवर तो कहते हैं मैंने बहुत विकास करा दिया रोहतक शहर में। हाँ है, दिखाओ तो सही सर। एलिवेटेड कह रहे हैं, एलिवेटेड बनवा दिया सर, पूरे शहर को फाटक मुक्त करा दिया। हाँ बिल्कुल करा दिया, सब कुछ उसने ही करा दिया, बाकी किसी ने नहीं कराया। बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि भाई वो तो बीजेपी वाले कहते हैं 2014 के बाद ही आजादी आई, उससे पहले आजादी नहीं थी। हाँ, बाकी तो सब ऐसे ही है, भीख मंगे थे, कटोरे लेके घूमते थे। देखिए ये जिस पार्क के अंदर हम खड़े हैं इसी की बदहाली की तस्वीर मैं दिखाऊं तो देखिए, ये दिखाना एक बार, दारू पी के पड़ा है ये शराब, चलो ये तो कुछ भी पीता रहे, ये जिस पे पड़ा है उस बेंच की हालत देख लो। अगर शहर के ये जो मिडल एरिया है, शहर का पॉश एरिया है, इसके अंदर सारी इकोनॉमिक जितनी एक्टिविटी होती है वो सारी होती है। विकास ही तो है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, यही तो विकास है। तो झाड़ू लगे शायद बरसों हो गए, बरसों क्या कोई आता ही नहीं है झाड़ू लगाने? विकास दिवारी महीने में आ जाए कोई आदमी तो लेडीज वो भी भेज देते हैं। तो 5 तारीख को बटन दबाओगे कांग्रेस का? बिल्कुल दबाएंगे, बिल्कुल दबाएंगे, औरों को भी प्रोत्साहन करेंगे भाई एक सरकार बदलो। चलिए ठीक है, देखिए आपने जिस तरीके से मैंने दिखाया कि पार्क की हालत भी ये है और पार्क के अंदर जो लोग ताश वगैरह खेल रहे हैं या शाम को जो फुर्सत में पार्क में आते हैं उनकी भी राय ये है कि यहाँ पर बदलाव के लिए वोट डाला जाना चाहिए। और जो मैंने पार्क की हालत आपको दिखाई वो भी आप देख सकते हैं, इसके अलावा जो और लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से सामने ले आओ। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। हाँ जी, नाम क्या है? राम नाथ।
रामनाथ। रामलाल जी वोट यही है? रामनाथ। रामनाथ ओके, वोट आपके यही है? हाँ जी यही है। ठीक है, किसको वोट डालोगे? 5 तारीख को फिर वोटिंग आनी है 5 साल के बाद। हम वोट डालेंगे कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट डालोगे? अच्छा, कांग्रेस को वोट क्यों डालोगे? क्योंकि जो भी आदमी वोट डालता है वो किसी मुद्दे पे, इश्यू पे डालता है। काम करे हैं कांग्रेस ने, ठीक है, और किसने करे नहीं। नहीं, बीजेपी भी तो कहती है हमने 10 साल में बहुत काम करे। हाँ करे करे होते फिर वोट ना देते हम। अब देखो एक चीज और है, इस एरिया के अंदर अगर लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की वोट डालेंगे तो फिर बीजेपी की वोट कहाँ है? हमें नहीं पता, हमें इस चीज का पता नहीं। चलिए चलिए यहाँ के मुद्दों की बात करें तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पे काम होना चाहिए? गली है, सड़क है, अधिकार है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पे ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट डालनी चाहिए, मुद्दा बनना चाहिए? ये देखो ना, बाहर निकल गए, पानी पुनी खड़ा है, है संभाल करता कोई, वोट वही देगा जो काम करेगा। कांग्रेस से उम्मीद है सारा काम करेगी? कांग्रेस ने पहले किया काम, हमें फिर अब उम्मीद है। ठीक है, दो प्रत्याशी हैं, बीबी बत्रा कांग्रेस और मनीष ग्रोवर बीजेपी। हाँ, मनीष बत्रा, बत्रा है बीबी बत्रा, बीबी बत्रा, बीबी बत्रा, बीबी बत्रा कांग्रेस, मनीष ग्रोवर बीजेपी। कांग्रेस, कांग्रेस, बीबी बत्रा। आ रहा हूँ मैं आपके पास भी आऊंगा। नमस्कार। हाँ जी, क्या कांग्रेस को? कांग्रेस को वोट डालो क्योंकि ना तो पानी आ रहा है सही, इतना गंदा पानी आ रहा है, पीने के कंप्लेंट करने के बाद भी नहीं साफ। अच्छा, पानी की सफाई, सीवरेज वगैरह कुछ? किसी की नौकरी नहीं मिली, सबने बेरोजगारी, बच्चे घर बैठे हैं और इधर प्राइवेट पढ़ पढ़ लिख के क्या करें। नौकरी के लिए आप किसी नेता के पास गए नहीं? गए, वो क्या करते, वो करते कौन से नेता के पास गए? ये मनीष ग्रोवर, ये कुछ नहीं करेगा। नौकरी मिली नहीं? मिलती तो प्राइवेट क्यों करते है, 8-10 बच्चे क्यों करते हैं? एक बाद में बताऊंगा अंकल, बाद में बताता हूँ। हाजी भाई साहब आपसे पूछते हैं। नहीं नहीं, आपने आप नहीं, कुछ बात नहीं, सिंपल सी बात बतानी है। सिंपल जी भाई जी, ग्रोवर को ही देंगे हम तो। अच्छा, मनीष ग्रोवर को वोट दो? नहीं, ये मैं जहाँ से करा, मैं मेरी बात सुनो, देने ग्रोवर को है। काम कराया नहीं? कराया नहीं, करवाया उसने, लेकिन देने ही सीखे। काम नहीं करवाया मतलब, इसलिए काम नहीं करवाया, वोट डाल देंगे। हाँ, वोट डालेंगे उसी को। ये मानते हो कि काम नहीं हुआ बीजेपी की सरकार में? नहीं हुआ, अभी है, काम नहीं हुआ, नहीं वोट ग्रोवर को देंगे। देंगे ग्रोवर को ही, ऊपर भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, वोट ग्रोवर साहब। चलो वोट ग्रोवर को देंगे, मगर काम नहीं किया, ये बात आप मानते हैं? हाजी भाई साहब नमस्कार। भाई साहब एक मिनट दे दो, सुनो एक मिनट दे दो, उसके बाद ताश खेलते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट दे दो, प्रधान तो सारे ही प्रधान है, बस इतनी बात बतानी है। 5 तारीख को वोट किसकी डालोगे, क्या मुद्दे हैं और किस बात से खुश हो, किस बात से नाराज हो, बस आप बताओ अंकल जी। मैं हम बीजेपी को डालते हैं। बीजेपी को वोट डालते हो? अब की बार भी बीजेपी को डालोगे? हाँ। अच्छा, बीजेपी को, बीजेपी की सरकार रही 10 साल में, 10 साल सरकार रही, काम हुआ कि नहीं हुआ? जो भी करे ठीक करे है। नहीं, कहाँ ठीक करा है, जिस पार्क में आप बैठे हो उसमें सफाई हुए कई महीने हो गए हैं। तो कोई भी सफाई कौन करता है? सफाई पर कांग्रेस वाले कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? नहीं, किसी की ड्यूटी तो लगेगी, म्युनिसिपल वालों की लगेगी, कमेटी वालों की लगेगी, किसी की ड्यूटी लगेगी। हमने आपको कह दिया, वोट बीजेपी की डालोगे, काम हो ना हो। आप भाई साहब बीजेपी की आपने डालनी है, बीजेपी की वोट डालो, काम से कोई मतलब नहीं है। हाजी भाई साहब, हाजी बोलो, मेरे को तो कम सुना। अच्छा अच्छा भाई साहब, आप बता दो, वोट बता के नहीं डाली जाएगी? ना गलत तो बात, वोट हम बता के थोड़ी डालेंगे भाई साहब। नहीं चलो, वो बता के ना डालो, मगर 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 सर देखो, सरकार से जो उम्मीद होती है वो पूरी हुई कि नहीं हुई? वो तो सरकार तो अपनी तरफ से काम कर रही है, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, वोट तो मर्जी की डलेगी। नहीं, वोट तो आप डालना, मैं पूछ नहीं रहा वोट, तो मैं तो खाली ये पूछ रहा हूँ कि सरकार के 10 साल के काम से खुश हो गए नहीं? खुश भी है जी, खुश है जी, काम हुए हैं, काम चल रहे हैं। ये इस पार्क की हालत क्या है? पूछ लिया, आप बताओ। सारा रोहतक रो रो के मर गया, दूसरी जगह पे तो क्या, अरे पानी साफ नहीं हुआ, पीने का पानी कहीं पूछ ले किसी मोहल्ले में जाकर, गंदा।
जिसके पास नहीं पहुँचा सुविधा पहुँच नहीं सकता। पानी की तो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है पीने का पानी, पीने का पानी तो जरूरी है सबसे पहले। नहीं मिलता तो नहाने का भी नहीं होता। तो फिर 5 तारीख को क्या करोगे, बदलोगे? सोचेंगे, लेकिन जो आपने ये तो कर हमारी बात तो पहुँचाओ आगे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। आज ही हमारी बात तो पहुँचाओ। कांग्रेस को वोट दे के हिमाचल बनाना है क्या? जो वहाँ के सरपंच भी भूखे मर रहे, कर्मचारी भी भूखे मर रहे, हिमाचल बनाना है क्या? 117 रुपए लीटर है, इंडिया में कहीं भी नहीं है। देखिए, हर स्टेट की इकोनॉमी, हर स्टेट के रेवेन्यू, सारी चीजें अलग होती हैं। फ्री में रेवड़ी बांटोगे तो यही हाल होगा कर्मचारियों को। सुनो, अब बीजेपी की सरकार मणिपुर में है तो इसका मतलब हरियाणा मणिपुर बन जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने हिमाचल का जिक्र किया ना, वोट उसको देना चाहिए जिसमें केंद्र की सरकार हो, नहीं तो वोट देना ही नहीं चाहिए। नहीं फिर चलो, इस पार्क की सफाई तो करा दो, हो जाएगी। ये तो सब चलते रहते हैं, घास वास लगवा दो, इसकी सफाई करा दो, लाइट जाएगी, सब हो जाएगी। टाइम आएगा, जब किसी का टाइम होता है ना, सब हो जाता है। किसी की एस्पायरिंग डेट, चलिए चलिए। कौन सी जी? ये वाली नहीं, मैं देखो मेरा काम पूछना है जी। सुनो सुनो, मेरा 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 काम तो पूछना है कि नहीं? मेरा काम तो पूछना है। हाँ जी हाँ जी, काम तो ऐसा ही होता है। किसकी वोट डालोगे? मतलब बीजेपी के समर्थक है। बीजेपी के समर्थक हो तो 10 होना हो, हमें काम ध्यान देना, ना काम कराना, ना मैं जरूर काम की इनसे। मतलब चलो, एक बात तो है, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो ये तो मान रहे कि काम नहीं हुआ, मगर वोट बीजेपी को डालेंगे। और बताओगे जी कुछ? नहीं, वोट नहीं मांग रहे, वोट नहीं मांग रहे, वोट मांग रहे हैं। बताओ किसके मांग रहे हैं आप? देखो, आप कोई बात करता इस पार्टी क्या किया है, क्या ये सवाल भी होता है। अगर अगर कोई चीज लगेगी वो पूछी तो जाएगी। बताओ, आप बता दो। हमारे लिए सब कुछ किया है, बीजेपी ने किया है, बस बीजेपी ने किया है। बीजेपी की वोट डालोगे? चलो ठीक है। हाँ जी हाँ जी, किसकी वोट डालोगे? अपना है नहीं जी, वोट कटा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आपकी वोट क्यों कटी हुई है? कटी हुई है? नहीं, हाँ कटी हुई है, सिंचाई में कट गई पीछे। वोट बना देना, विकास नहीं होता। अब बीवी बत्रा के पास जाते हैं, कहते हैं हमारी चलती तो है नहीं, हम क्या काम करेंगे। बस वोट उसी को डालना चाहिए जिसकी केंद्र में सरकार हो, तभी विकास होता है, नहीं तो विकास। चलो उधर 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 पूछते हैं, उधर पूछ लेते हैं भाई, उधर ले आ। हाँ जी अंकल जी, कुछ बताओगे इलेक्शन के रिगार्डिंग? इलेक्शन के रिगार्डिंग बताओगे कुछ? यहाँ ले आ भाई, यहाँ ले आ सामने। 5 तारीख को वोटिंग होनी है हरियाणा में, किसकी वोट डालोगे? वोट तो अपनी मर्जी से डालेंगे। चलो मर्जी से डालोगे, मगर 10 साल की जो बीजेपी की सरकार थी उसके काम से खुश हो? ना। ठीक है, उसके काम से खुश नहीं हो? तो क्या क्या काम होने चाहिए, क्या क्या काम जरूरी है, जो जो होने चाहिए थे क्या क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ, एक तो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई। ठीक है, है? काम धंधे किसी के हो नहीं रहे, भर्तियां सारी रुकी पड़ी है। जहाँ काम दे जाए ताश खेलते हुए, काम दे जाए ताश खेलते हुए, बेरोजगार कोई बेरोजगार नहीं है। ना महंगाई है, काम करने वाले से ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है। काम करने वाले से काम है, और काम करने वाले के महंगाई है ही नहीं। बस काम करने वाले के लिए महंगाई नहीं है? अरे सर, महंगाई तो बहुत नहीं है, आटा दे कुछ नहीं है। अगर काम करने वाला है तो महंगाई नहीं है, अगर काम नहीं करने वाला तो महंगाई है। इसके बुराई मत करे, बुराई का अंकल जी तो कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं, सारी चीजें ठीक है, महंगाई नहीं है, महंगाई बहुत है। वो तो मना कर रहे हैं ना आपके सामने, महंगाई नहीं है। हाँ जी अंकल जी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं, कुछ तो बता दो। नहीं ऐसा है कि मैं इसके बारे में आपको बताऊं, महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़ेगी। नहीं मैं तो इलेक्शन, मैं तो देखो इलेक्शन, अभी कोई बजट की बात नहीं हो रही, ये तो इलेक्शन की बात हो रही है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है, किसके पक्ष में डालोगे? काम के लिए महंगाई नहीं है, वोट पर्सनल होता है ये मतदान से। वोट किसको दे? वोट मनीष ग्रोवर को डालोगे, बीबी पत्रा को डालोगे? कति नहीं डाला। अच्छा, बिल्कुल नहीं डाले। तो इन्हें क्या किया? पानी, शिवर, सुअर सब बहन चोत, गंदा पानी आया सारे साल में, 3 साल के अंदर। बीजेपी का तो ये दावा है कि हमने बहुत सहूलियतें दी हैं लोगों को, बहुत फैसिलिटी दी है। पार्टी हारेगी, पार्टी हारेगी, पार्टी हारे करती है।
भाई मैंने काम किया है, काम क्या करा, अपने अपने आदमियों का काम करें, खूब करें, अपने अपने आदमियों के काम करें, पब्लिकली काम नहीं हुए, सामूहिक काम नहीं हुए। चलो और पूछते हैं भाई साहब, बताओगे कुछ नहीं? कुछ नहीं बता दिया आपने, वहाँ जा भाई, वहाँ सीनियर से सिटीजन है, उनसे पूछेंगे। ले आ, ले आ, ले ले उत्तराखंड का बंदा, ये उत्तराखंड का बंदा, वो वोट तो नहीं है ना इनकी, फिर रहने दो, फिर रहने दो, यही वोट है, वोट है इनकी, वोट यही पर है, वोट है आपकी इधर, वोट है यही। कितने साल हो गए, कितने साल हो गए? 25-30 साल हो गए वोट बने हुए। अच्छा किसकी वोट डालोगे? पिछली बार किसकी डाली थी? कोई बात नहीं, पिछली बार किसकी डाली थी? पिछली बार किसकी डाली थी? अब की बार, अब की बार भी वही डाली है? नहीं अब की बार बता नहीं रहे, नहीं मैं बता रहा हूँ। अच्छा भाई साहब आपकी भी यही है क्या? अच्छा आपकी नहीं है भाई साहब, कुछ बताओगे इलेक्शन के बारे में? अच्छा यहाँ का पता ही नहीं है। हाँ जी भाई साहब आपकी है वोट इधर? अच्छा किसकी वोट डालोगे? देखो वो टाइम बताएगा, मेरे ख्याल में तो जानी चाहिए हुड्डा को, हुड्डा को जानी चाहिए। हाँ ठीक है, बीजेपी ने काम करा नहीं करा? भाई जितने काम करे भाई क्या आप बता सकते हैं अंदर? मनीष ग्रोवर ने काम करा रोहतक में? नहीं करा, मनीष ग्रोवर नहीं करा ना। आप प्रत्याशी है मनीष ग्रोवर, एक तरफ बीबी बत्रा है। हाँ बीबी बत्रा फिर भी ठीक है, बीबी बत्रा ठीक है। चलो नमस्कार जी अंकल, बताओगे कुछ भाई? साफ है ना, क्लियरिटी है ना? हाँ हुक्म करो, मुझे नाम बता दो, वोट यही है आपकी? हाँ वोट है। ठीक है, 5 तारीख को इलेक्शन है, 5 साल में इलेक्शन आता है, किसकी वोट डालना है? नहीं आपकी मर्जी है, हमने तो नहीं समझे किसको देना है, मुझे भी पता लगे ना। हमारा तो ये होता है कि कोई जो काम करता है उसको देना है। ठीक है बात के, मैंने तो कितनी बार कहा मगर ये नाले गंदे पड़े हैं हमारे, इनको सीधा सुधार दो, वोटों की कोई कहानी नहीं। अब तो अब देख लो, कल मैं समाचार देख रहा था, अब तुम देख लो कि मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं है। जो 10 साल का शासन था बीजेपी का, उसमें जो डेवलपमेंट के काम होने चाहिए थे, विकास के काम होने चाहिए थे, रोहतक में हुए नहीं हुए? नहीं हुए। नहीं तो वोट फिर आप मतलब बदलाव के लिए डालोगे? बदलाव के लिए नहीं होता, अकेले दे के जहाँ देना होता वहीं देना होता है। एक तरफ तो है मनीष ग्रोवर, दूसरी तरफ है बीबी बत्रा, वो आ गई समझ मेरे को सारी। अगे देना तो जहाँ है बका कैसा कहीं दे, कहीं देवा क्यों? मैं पता है मेरा मन करेगा जिसको दूंगा, ये बात हुई। आप बुरा बना नहीं, वो पड़ोसी है तो वही पड़ोसी है। हाँ तो फिर मैं थोड़ी किसे होकर जिसले मन उस वेले बनाई दिया, जिसले वोट पाउन जाता ना बंदा उत्ते रंग ढंग बदलता, आवन जावन नाल कुछ नहीं होता। चलो हम तो खाली ये बात, हम तो खाली ये बात जान रहे कि पार्टी को कांग्रेस वाले आए थे, मैंने कहा नाले का साफ करवाने हैं, इनको वो करवाना है, ले दे के ना। तो हमारे केजरीवाल ने दिल्ली में भी रहा हूँ मैं कई साल, जिस दिन से जगदीश टैटलर नहीं बना 20 साल तक, 25 साल तक, वो 1984 के बाद में वही था, और ये पोलमैन मेरे साथ था, ये पड़ोसी वही पर बम धमाका होया आड़त के, वहां काम करता था ना, उसने काम करवाया ना इसने कोई करवाया, सीधी मेन पॉइंट है, करवाया उसने भी कुछ नहीं केजरीवाल ने, क्या मैं हरियाणा का हूँ? अब शमशान घाट जो मोती नगर की थी वो ऐसे कैसे जो गंदा नाला था उसको ही बल्कि प्लेन करवा दे, तुड़वा दिया, फिर क्या है मतलब काम हुआ नहीं ना। जो दावे हैं उनको आप सच नहीं मानते, बीजेपी के दावे हो किसी का भी हो बीजेपी के निवास सवाल नहीं है, मतलब सरकार जिसकी 10 साल रही हो तो ड्यूटी उसी की बनती है काम करने की। हाँ ना इसने कुछ किया ना केजरीवाल ने किया, बात तो कोई बात है। चलो केजरीवाल का तो यहाँ ज्यादा मैटर है नहीं, अंकल बताओगे कुछ? वहाँ तो पूछ आए जी हम, नहीं मैं उनसे पूछ लेता हूँ, आप रहने दो बेशक से। नमस्कार अंकल, नमस्कार। 5 तारीख को वोटिंग होनी है, हाँ जी, तो किसके पक्ष में मतदान करोगे? हम तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को डालोगे? अगर मैं कह रहा हूँ किसके पक्ष में करेंगे, ये तो क्वेश्चन गलत है आपका, तो बताओ जी, आप इसका मतलब आप पूछ लो फिर। नहीं मैं क्यों पूछ रहा हूँ फिर भाई साहब, आप मत बताओ किसके पक्ष, नहीं और क्या कहें, जो चुनाव लड़, सुनो जो हाँ आप ये पूछ सकते हो किसका वो प्रभाव ज्यादा है, किसी ने काम करवाया नहीं करवाया, किसके पक्ष में करोगे? तो बात तो वही है, बीजेपी वाले हो या आप वाले, नहीं हम तो कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को वोट डालोगे। अगर मैं ये रीजन जानना चाहूँ कि कांग्रेस को क्यों डालोगे,
और बीजेपी ने क्या काम किया है, एक पंजाबी सीएम बनाया था वो भजा दिया, बोल कहां जाएंगे पंजाबी, अब आगे चांस है नहीं बनने, आगे नहीं बनेगा कोई पंजाबी सीएम हरियाणा में, ये एक बना हुआ था इनको भजा दिया। चलो यहाँ तो देखो बीजेपी के लोग ये दावा करते हैं कि हमने बहुत डेवलपमेंट कराया शहर के अंदर, टट्टू कराया कुछ नहीं कराया, जो सीवर जाके देखो चारों तरफ जाम पड़े हैं, पीने का पानी है वो बदबू वाला है, वोट अपनी वोट यही है, हाँ यही पे है, किसको वोट डालोगे, वोट कोई डालेंगे ये, क्योंकि ये जो जब से ये बना है ना, क्या कहते हैं अपना प्रधानमंत्री कौन सा अपना नरेंद्र मोदी उसके बाद बिल्कुल ये काम सब ठप हो गया, बिल्कुल दुनिया के सब परेशान है इससे। अच्छा, कोई भी वाहनदार सारे परेशान है, इतने अच्छे काम चल रहे थे ना मार्केटों में, सब काम धंधे ठप हो गया बिल्कुल। चलो ठीक है, आजी भाई साहब आप बता दो क्या माहौल है, उन वाली बात रख लेता हूँ मैं, किसका प्रभाव है, प्रभाव ये कांग्रेस का ही है, कांग्रेस का है, आपकी वोट इसी एरिया में है, देखो इस एरिया के बारे में तो कहते हैं कि यहाँ पे बीजेपी का प्रभाव ज्यादा होता है वोटिंग के टाइम पे, वो कह रहे भैया मर्जी का सारा ही फर्क है, फर्क है। अच्छा, में 2000 बंदे की रोटी की थी बीजेपी, जिसमें मैं बताता हूँ 300 आदमी बीजेपी का था और 1700 आदमी कांग्रेस का होगा, खाने वाले 2000 थे, बीजेपी के प्रोग्राम में कांग्रेस के लोग पहुंच रहे हैं, बिल्कुल नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये तो कहने की बात है, बाकी जो है 300 आदमी होगा, प्रभाव ही नहीं गया है कांग्रेस ओवरऑल जो है पूरे रोहतक विधानसभा क्षेत्र में, ओवरऑल क्या मानते हैं हार जीत किसकी लगती है आप, हमारी तो कांग्रेस की लगती है जीत, कांग्रेस की जीत, दो प्रत्याशी हैं बीबी बत्रा है मनीष ग्रोवर है, वही कांग्रेस अगर बीबी बत्रा अपना अपना आ गया जी, कहने की जरूरत भी नहीं है, कांग्रेस भी कह दिया तो बीबी बत्रा अपना अपना आ गया, कई दफा ये होता है कि बंदा पार्टी को लाइक करता है कैंडिडेट को नहीं करता, कई बार कैंडिडेट को लाइक करता है पार्टी को लाइक, कांग्रेस कह दी कांग्रेस तो वही आ गया, बीबी बत्रा ही आ गया ना, बाकी तो दिक्कत है नहीं, कल आया गली मत पाड़ो, वो बाड़ के ही रहन, लै दे के 70 इट उदू निकले 70 उतू, वो सारा जड़ा जड़ा तले आए पाइप वो सारा वो गंदा पानी पींदे पे है, नहीं सफाई तो होनी चाहिए, काम तो खैर होना चाहिए, काम तो होया ही कोई नहीं, पानी आया है सुनाई भी नहीं हुई आगे, फिर क्या क्या फायदा हुआ कैंप के अंदर। तो चलिए ये तमाम लोगों का रुझान हमने आप लोगों को दिखाए, और जिस तरीके से लोगों ने कहा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो चाहे फिर वो कांग्रेस के समर्थक हो, तमाम लोगों की राय हमने आप लोगों के सामने रखी, मगर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं उनका भी ये मानना है कि विकास का काम नहीं हुआ यहाँ पर, चाहे पार्क की बदहाली की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे पानी या शिविर की बात हो, और जिस तरीके से लोगों को सबसे पहले पानी पीने का जरूरी चाहिए, उसके अंदर भी लोगों का यह आरोप है या लोगों की शिकायत है कि पीने के पानी तक को या पीने का साफ पानी तक हमें सरकार के शासनकाल के अंदर मुहैया नहीं हो पाया। देखिए मुद्दे जो बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, उसके अलावा लोगों का ये भी मानना है कि जो अपराध है वो भी बड़ा मुद्दा है, और बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया, अपराध भी बड़ा मुद्दा है, तो तमाम लोगों की राय हमने आपको दिखाई, जो सच था वो आप लोगों के सामने रखा, जो भी लोगों की भावना थी वो आप लोगों के सामने रखी थी, और 5 तारीख को देखते हैं अब बदलाव के लिए वोट होता है या फिर बीजेपी रिपीट होती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी पॉलिटिकल रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।